साहब क्या हुआ, कुछ बताओ। ये हुआ कैसे? वाली बात है, क्या आप अड्डो अड्डो पिछड़ो, चलो पिछड़ जाओ। चलें सर। सब लोग यही रुको, तुम चलो। एलेक्स, ये रूम किसने खोला था? होटल का डुप्लीकेट की लेकर मैंने खोला था सर। रात में टेलीफोन किया और बेल बजाई तो कोई रेस्पॉन्स नहीं होने से लोगों ने स्टेशन में फोन किया था सर। ठीक है, एफआईआर कहाँ है? एफआईआर लाओ। इस होटल में ठहरे सभी लोगों के नाम और एड्रेस डिटेल्स कलेक्ट कर लो सर। यहाँ ठहरा कोई भी पुलिस को बताए बिना नहीं जाएगा। ये सब मैंने अरेंज कर दिया सर। मुझे सबके नाम की लिस्ट चाहिए सर। हम इस रूम में बैठेंगे। थैंक यू। ये कुमार के साथ औचिपन कहां से आया? ये वही है सर, फिल्म का प्रोड्यूसर। अच्छा, अब ये फिल्म बना रहा है, बुलाओ उसे। सर। अरे, ये हीरोइन के खुदकुशी का क्या कारण हो सकता है? कुछ नहीं समझ आ रहा सर। आप दोनों में औचिपन कौन है? उसे बच्चन, मैं ही हूँ। हाँ सर, आपको अंदर बुला रहे हैं। बुला रहे? अरे चलना। नमस्कार सर। हाँ ठीक है, बैठो। पापी जा जाएगा पाताल बनेगा कहावत है, मैं समझा नहीं। ये तुम्हारी बात पे सही निकला हो चिपन। हे भगवान। आओ 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 बैठो। मैं एक मुसीबत से बचकर निकला तो दूसरी मुसीबत सामने आ गई। ये क्या हो रहा है उचिपन? मैं आपको क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। ब्याज का काम और दारू का धंधा करने वाला तुम कैसे फिल्म लाइन में आ गए? मैं गलती से आ गया सर। तुम्हारा दामाद वो जॉनी कुट्टी कहाँ गया? वो बरोल में है सर। और बेटा? वो घर में है सर, वो अभी मेरा बिजनेस संभाल रहा है। ओमना कत्ल केस में तुम और ये आदमी दोनों बच गए ना? जीजस की कृपा से हम बच गए। सीबीआई वालों को तुमने कुछ? जीजस? नहीं नहीं, एक भी रुपया नहीं दिया। हमारे परमिशन के बिना तुम और तुम्हारे लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, समझ में आया तुम्हें? नहीं सर। हाथ मत जोड़ो, निकलो यहाँ से। एलेक्स। सर। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इस कमरे की हर एक एक चीज मॉर्सरी कस्टडी में ले लो सर। सर, फिल्म न्यूज का एडिटर कुरूप और उसका कॉरेस्पॉन्डेंट कुमार, ये दोनों आए हैं सर। हाँ।
नमस्ते। कहाँ है मैगजीन? सर उसने कितने रुपए दिए इस मैटर को छापने के लिए? सर मैंने एक भी रुपया नहीं लिया। सर तुमने तो उसे पैसे दिए ना? नहीं सर, एक भी रुपया नहीं दिया। तुम्हारे ये चार मैगजीन बेचने के लिए तुम कुछ भी करोगे? हाँ आप जो सोच रहे हो सर वैसा नहीं है। पत्रिका धर्म के अनुसार। पत्रिका धर्म के अनुसार? एक लाफा दूंगा तो पता चलेगा, थोबड़े का शेप बदल जाएगा। ये सब तुम्हारी वजह से है, मैंने उसी दिन कहा था। तुम दोनों चुप कर क्या बातें कर रहे हो? सर कुछ नहीं सर। ये बताओ उसका अगला शिकार कौन है? कुछ नहीं बोला सर। झूठ है, सच बोलो नहीं तो। मैं सच बोल रहा हूँ सर। उन्होंने कहा शूटिंग खत्म होने से पहले वो मुझे कुछ बातें बताएंगी सर। मंत्री भार्गव के बारे में? हो सकता है सर, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। ये तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। नहीं सर, वो भार्गव जी से नाराज थी ये सब कोई जानता है सर। सर प्रोड्यूसर मोहन आए हैं, उसे अंदर बुलाओ। इस घटना के बाद विश्वा ने तुमसे फोन पे बात किया, वो तुमसे मिलने आया? नहीं सर, अभी तक नहीं आया सर। ऐसा कैसे हो सकता है? घटना होने के बाद वो डर से पहले तुम लोगों से मिलने के लिए आना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा सर। तुम कौन हो? यह प्रोड्यूसर मोहन, अश्विनी से शादी करने वाला था। ओहो, प्रेमी हो? तो क्या चाहता था ये प्रेमी? मुझे दो दिनों से पूछताछ के लिए बुलाया सर, लेकिन एक भी सवाल नहीं किया है। सर मुझे बहुत काम है सर, आपको जो भी सवाल करने हैं अभी कर लीजिए सर। इधर आओ तुम, टाइम नहीं है तुम्हारे पास? हाँ सर टाइम नहीं है, मुझे मद्रास में जरूरी काम है। तुम मद्रास नहीं जा सकते, मेरी फिल्म रिलीज है सर, मुझे जाना ही होगा। बिना परमिशन तुम मद्रास नहीं जा सकते? तो प्रोड्यूसर हो या प्रेमी ये मैं नहीं देखूंगा। अंडरवेयर पहन कर कभी लॉकअप में रहे हो? नहीं। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, मैं लॉकअप में डाल दूंगा। सर सर अभी तुम निकलो, हम बुलाएंगे तब आना। मोहन चलो। सच को छुपाने की अगर तुमने कोशिश की तो अंडरवेयर की बात याद है ना? ले जाओ। क्या एलेक्स तुम क्या कह रहे हो? लड़की की मौत खुदकुशी से हुई है? उसके बहुत दुश्मन रहे हैं सर, ये सच है। क्या उस विश्वा पे तुम्हें शक है? शक तो नहीं, ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमारे पास सबूत नहीं है सर। तुम्हें उसके अलावा और किसी पे शक है? वो किसी पे शक है तो बताओ। अश्विनी के मरने के दिन मंत्री बरगा और उसका दोस्त थॉमस उसी होटल में ठहरे हुए थे सर। किसने कहा? वहां का एक वेटर, उसने वहां पर उसे देखा था। वो कहा है? बाहर है। बुलाओ उसे। हे इधर आओ। जो कुछ हुआ है वो सब साफ साफ बताओ। तुमने वहां क्या देखा? चलो बताओ। उस दिन मैं भार्गव सर के रूम में सोडा लेकर गया था। ले गया तो? सुनो, वो हीरोइन असुति आई क्या? अभी वो रूम में है सर। सुनो, जो ऑर्डर किया वो जल्दी लेकर आओ। जी हाँ। सुनो, मैं उससे मिलके आता हूँ अभी। नहीं नहीं, तुम यहाँ रहो। अरे आता हूँ अभी। देखो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अभी नहीं मिलूंगी। कारण क्या है? आप दारू पी के होश में नहीं हैं। होश में नहीं हूँ? क्या बोल रही हो तुम? क्या मैं कुछ गलत करूँगा? हो सकता है। तुम मेरे बारे में लिखोगी? हाँ देखता हूँ तुम कैसे लिखती हो। अगर लफड़ा किया तो कंप्लेन करूँगी। तू कंप्लेन करेगी? दिखा करके। गेट आउट। ए दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। अरे खोलती कि नहीं? दरवाजा खोल। तेरी तो सर, ये आप क्या कर रहे हो? ये आप क्या कर रहे हो? ये आप क्या कर रहे हो सर? हैं? ये आपको क्या हो गया है? क्या हो गया है? इसको छोड़ूंगा नहीं। चलिए। अरे छोड़ो। चलिए। तुमने इसके बारे में हमारे अलावा किसी को बताया? नहीं सर। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं सर। अगर कोई पूछे तो बताएगा?
अगर बताएगा तो मैं तेरी मूछ काट दूंगा, समझा? ठीक है सर। चलो निकलो। एलेक्स, इस केस के बारे में अगर कोई सबूत मिले तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यस सर। भार्गव सर से मिल रहे प्यार और एहसान को हम कभी नहीं भूल सकते। मैं चलता हूँ सर। ठीक है।